स्टूडेंट वी हैव स्टडीड टू नेम रिएक्शंस, एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन और क्लेजन कंडेंसेशन रिएक्शन। और दोनों रिएक्शंस में यूज हो रहा है बेस। तो बेस कौन कौन से बेस है, कॉमनली बेस हमें पता होंगे तभी हम रिएक्शंस को यूज़ कर पाएंगे। तो हमें कुछ कॉमन बेस का जो बहुत ज़्यादा कॉमन है और उसके बाद आपको लिस्ट बनानी है उनका आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर कुछ कॉमनली जो आपको हर समय याद ही रखने हैं उन कुछ बेस की मैं बात कर रहा हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो। तो बेस क्या होते हैं बच्चों, एनायन स्पीसीज होती है। मैंने कहा था कि एनायन स्पीसीज जो है या तो क्या कर सकती है एज ए बेस अगर पीछे मैकेनिज्म है, और एज ए न्यूक्लियोफाइल काम कर सकते हैं, एज ए न्यूक्लियोफाइल। तो जो यहाँ पर हम देख रहे थे जैसे कि एल्डोल कंडेंसेशन में कोई भी हमने लिया एल्डिहाइड लिया जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, तो हमें नीड होती है बेस की। तो बच्चों अगर हमें बेस ही नहीं पता होंगे किस तरह के बेस हैं तो हम कैसे रिकॉग्नाइज कर पाएंगे कि ये प्रोटॉन अब्स्ट्रैक्ट करेगा या क्या रिएजेंट है। तो हमें कुछ कॉमन बेस क्या क्या यूज़ होते हैं उनका हमें पता होना ज़रूरी है ना। तो यहाँ प्रोटॉन उठाने के लिए यहाँ पर हम कोई रिएजेंट लेते हैं जिनको हम बेस कह रहे हैं, मतलब बेस जो प्रोटॉन को अपने इलेक्ट्रॉन देता है, एच प्लस को अपने इलेक्ट्रॉन देता है। तो कॉमनली कौन कौन से बेस यूज़ किए जाते हैं रिएक्शंस में, तो बे कोई भी एनायन किसी भी कार्बन पर, नाइट्रोजन पर या फिर ऑक्सीजन पर निगेटिव चार्ज होगा तो वो दोनों तरह के काम कर सकता है, बेस और न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर सकता है। तो जैसा कि हमने देखा बेस क्या था, जैसे कि हम बहुत कॉमनली यूज़ करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, ऑक्सीजन पर निगेटिव है सोडियम हाइड्रोक्साइड तो OH निगेटिव बेस है, या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी लिख सकते हैं, डिफरेंट साल्ट यूज़ कर सकते हैं, सोडियम की जगह क्या ले सकते हैं पोटेशियम भी ले सकते हैं हम, है ना। या फिर हम बहुत कॉमनली यूज़ कर रहे हैं रिएक्शंस में एल्डोल और क्लेजन कंडेंसेशन में एल्कोक्साइड यूज़ कर रहे हैं, CH3 लिख दो या C2H5OH लिख दो या इन जनरल लिख दो OR निगेटिव, मिथोक्साइड मतलब OCH3 निगेटिव, तो या पोटेशियम मिथोक्साइड भी कह सकता हूँ, ये भी बेस है, ऑक्सीजन पर निगेटिव चार्ज है, ठीक है। तो या फिर यहाँ पर एक जो कॉमनली बेस यूज़ होता है जो बल्कि बेस है नॉन न्यूक्लियोफिलिक, अगर बेस बल्कि हो जाए तो वो क्या है नॉन न्यूक्लियोफिलिक हो जाएगा कि वो केवल बेस की तरह ही काम करेगा, क्योंकि ये इस तरह के बेस हैं ये दोनों तरह के काम कर सकते हैं, एज ए न्यूक्लियोफाइल भी काम कर सकते हैं एज ए बेस भी काम कर सकते हैं। लेकिन हमें मान लिया ये प्रॉपर्टीज़ की कट ऑफ करनी हो कि ये जाकर के कार्बन में अटैक ना करें, केवल क्या करें प्रोटॉन उठाए, तो उन्हें क्या कहते हैं नॉन न्यूक्लियोफिलिक बेस। तो ऐसे एनायन जो कि बल्कि हमने बना दिए हैं तो कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं नॉन न्यूक्लियोफिलिक, नॉन न्यूक्लियोफिलिक मतलब वो न्यूक्लियोफाइल की तरह काम नहीं करेंगे, क्योंकि जो निगेटिव एनायन मतलब जो लोन पेयर्स हैं वो दोनों तरह के काम कर सकते हैं, लेकिन हम नहीं चाहते कि वो न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करें, हम केवल उससे काम लेना चाहते हैं बेस की तरह। तो हमें कुछ ऐसे बेस की जरूरत होती है जो नॉन न्यूक्लियोफिलिक है, जैसे कि है पोटेशियम ब्यूटोक्साइड, पोटेशियम टर्शियरी ब्यूटोक्साइड। तो यहाँ पर पोटेशियम ओ निगेटिव जैसे हाइड्रोक्साइड था ऐसी कर सकते हैं, ऐसी की जगह हम ले सकते हैं टर्शियरी ब्यूटोक्साइड CH3CH3CH3। तो ये बल्कि बेस हो गया, पोटेशियम K+O टर्शियरी ब्यूटोक्साइड लिख सकता हूँ इसको मैं, तो भी बेस की तरह काम करेगा क्योंकि ओपन निगेटिव चार्ज है किसी पर, और ये इतना बल्कि हो गया कि ये कार्बन पर जाकर अटैक नहीं कर पाएगा, ये बड़ा हो गया साइज में तो स्टेरिक करेगा, स्टेरिक मतलब भीड़ भाड़ वहाँ तक अप्रोच नहीं कर पाएगा। तो अगर कहीं पर है तो ये भी क्या है बच्चों बेस की तरह यहाँ पर काम करता है, और ये कैसा बेस हो गया नॉन न्यूक्लियोफिलिक बेस हो गया। तो यहाँ पर कुछ नॉन न्यूक्लियोफिलिक मतलब जो साइज में बड़े हैं बल्कि हैं तो जनरली न्यूक्लियोफाइल की तरह काम नहीं करते, कार्बन पर अटैक नहीं करेंगे, केवल क्या करेंगे प्रोटॉन उठाएंगे। तो इस चीज़ को थोड़ा सा देखते हैं पहले रिएक्शन से कि क्या कहने का मतलब नॉन न्यूक्लियोफिलिक बेस का क्या मीनिंग होता है, मतलब जो केवल पहले तो ये समझिए एनायन स्पीसीज है, कार्बन पर निगेटिव हो सकता है या फिर ऑक्सीजन पर निगेटिव स्पीसीज हो सकती है, तो दो तरह से काम कर सकती है एज ए बेस या फिर एज ए न्यूक्लियोफाइल काम कर सकती है। तो सपोज जैसे देखो बच्चों अगर ये CH3 में कहने का मतलब क्या, फिर से एक बार थोड़ा ब्रीफली इसको समझते हैं, CH2H जैसे कि मान लिया एस्टर का एग्जाम्पल ले लेते हैं OR, और हमने बच्चों यहाँ पर ले लिया कोई बेस OR निगेटिव, अगर ये प्रोटॉन अब्स्ट्रैक्ट करेगा और एनायन बनाएगा तो कहेंगे कि ये बेस है, लेकिन दूसरा काम क्या हो सकता है ये एनायन इस कार्बन पर अटैक कर दे, क्योंकि ये निगेटिवली चार्ज है कार्बन पॉजिटिवली चार्ज है, तो ये क्या कर सकता है यहाँ कार्बन पर अटैक कर सकता है और ये ब्रेकआउट हो सकता है ना। तो अब कहलाएगा कि कैसा काम किया है इसने, न्यूक्लियोफाइल की तरह काम किया है। तो हम कुछ बेस ऐसे चाह रहे हैं जो न्यूक्लियोफाइल की तरह काम ना करें, केवल क्या काम हो उनको प्रोटॉन ही अब्स्ट्रैक्ट करें, है ना। तो उसका एक एग्जाम्पल मैंने टर्शियरी ब्यूटोक्साइड बता दिया, बल्कि बेस ऑक्सीजन पर निगेटिव है। ऐसे दूसरे बल्कि जैसे LDA है,
लिथियम डाई आइसोप्रोपाइलामाइड बहुत कॉमनली यूज़ किया जाता है, ये बल्कि बेस कहलाता है। केवल क्या काम करेगा, बेस की तरह ही काम करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह ये इन जनरल वर्क नहीं करेगा। कहने का मतलब ये वाला रास्ता है इसको न्यूक्लियोफाइल अटैक करने का, कार्बन पर अटैक करने वाला कट ऑफ हो गया, क्योंकि ये साइज में बड़ा है। देखिए ये भीड़ भाड़ यहाँ पर है और अगर ये साइज में बड़ा हो जाएगा तो यहाँ अप्रोच नहीं करेगा। देखिए एच तो काफ़ी दूर से पिकअप कर सकता है, उसको उठा सकता है ना, बल्कि एनायन ये कहें कि बल्कि कोई भी स्पीसीज जिसके पास लोन पेयर है, इलेक्ट्रॉन है, वो इस प्रोटॉन को उठा सकती है, मतलब बेस की तरह तो काम कर सकती है, दूर से पिकअप कर सकती है, दूर से उठा सकती है, लेकिन कार्बन पर जाकर अटैक करना होगा तो स्टेरिक है तो नहीं कर पाएंगे। तो जब हम बल्कि नहीं ऐसा जाते तो केवल वो कैसा काम कर दें, वो काम करते हैं केवल बेस की तरह, न्यूक्लियोफाइल की तरह काम नहीं करते हैं। एल डी ए बहुत कॉमनली यूज़ होता है बेस, आपको पता होना चाहिए एल डी ए का इसलिए परफॉर्म किया है, लिथियम डाई आइसोप्रोपाइलामाइड। तो लिथियम पर प्लस है, एन आइस दो प्रोपाइल डाई आइसोप्रोपाइल ग्रुप लगे हुए, नाइट्रोजन पर दो आइसोप्रोपाइल ग्रुप लगे हुए। एक बच्चों बेस है सोडियम एमाइड, तो पहले सोडियम एमाइड के डेरिवेटिव है इसको देख लो, सोडियम एमाइड को बेस की तरह काम होता है, सोडियम प्लस नाइट्रोजन की वैलेंसी तीन होती है तो एक निगेटिव चार्ज है तो दो ग्रुप लगे होंगे एच और एच एन एच टू, तो ये बेस की तरह काम करेगा क्योंकि नाइट्रोजन पर निगेटिव चार्ज है। कोई भी एनायन स्पीसीज क्या कर सकते हैं, एज ए बेस और एज ए न्यूक्लियोफाइल काम कर सकती है। और इसी का डेरिवेटिव है लिथियम डाई आइसोप्रोपाइलामाइड, एक एच इस एर और इस एच की जगह क्या लगे ग्रुप लगे हुए, आइसोप्रोपाइल ग्रुप लगे हुए हैं, है ना, सिमिलर है, लेकिन ये बल्कि है। केवल कैसा काम करेगा, लिथियम डाई आइसोप्रोपाइलामाइड इन जनरल केवल बेस की तरह काम करता है और बल्कि बेस रहता है, पता होना चाहिए। एल डी, एल डी क्या है बच्चों, बेस है। अगर कहीं पर रिएक्शन में लिखा हुआ है एल डी ए, आपको पता ही नहीं है एल डी ए क्या होता है, तो हम रिएक्शन को किस तरह कर पाएंगे। तो कहने का मतलब वो क्या करेगा, प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करेगा, कहाँ से, लिस्ट हिंडर्ड वाला प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करेगा, ये बात की बात है। कौन सा करेगा, किस तरह से रिएक्शन कराते हैं हम एल डी ए, लेकिन आपको पता होना चाहिए एल डी ए क्या है, एक बेस की तरह काम करता है। एल डी ए बेस है जो कि स्ट्रक्चर यहाँ पर बनी है, ऐसे कहीं पर लिखा है एन ई एच एम डी एस, बहुत जनरल यूज़ करते हैं, या के एच एम डी एस, तो ये पता होना चाहिए क्या है, ये बेस है। एमाइड इन्हीं के डेरिवेटिव हैं, तो यहाँ पर जहाँ हमने आइसोप्रोपाइल ग्रुप लगाए थे, यहाँ पर ट्राईमिथाइल सिलाइल ग्रुप लगे हुए, ट्राईमिथाइल सिलाइल, सिलिकॉन की वैलेंसी कार्बन की तरह, कार्बन फैमिली का है सिलिकॉन, तो चार ही वैलेंसी होगी, चार बॉन्ड्स बना रहा है। सिलाइल जैसे क्या बोल रहे हैं, मिथाइल ऐसे बोल रहा हूँ मैं, सिलाइल, ट्राईमिथाइल ग्रुप से लगे हुए, एक बॉन्ड किससे, नाइट्रोजन से। तो जो एच एच है ये आइसोप्रोपाइलामाइड था एल डी में, सी तो आइसोप्रोपाइल से रिप्लेस, आइसोप्रोपाइल की जगह यहाँ पर क्या, कौन सा ग्रुप लगे, ट्राईमिथाइल सिलाइल। तो फुल फॉर्म क्या है इसकी, सोडियम बिस, बिस मतलब दो ग्रुप्स लगे हुए हैं, बिस कौन से, ट्राईमिथाइल सिलाइल ग्रुप और एमाइड। बच्चों एन निगेटिव एच टू बोल रहे हैं, तो देखो यहाँ पर सेम नाम है, एमाइड बोल रहे हैं एच टू निगेटिव, ये भी एन निगेटिव है तो एमाइड है, लेकिन उसके आगे क्या लगे, कौन से ग्रुप लगे हुए हैं, तो डाई आइसोप्रोपाइल ग्रुप लगे हुए हैं, दो ग्रुप लगे हैं तो कह दिया डाई आइसोप्रोपाइल, लेकिन यहाँ पर हमने क्या बोल दिया, बिस, क्योंकि ट्राई यहाँ पर यूज़ हो गया, डाई ट्राई यूज़ होता है, तो नोमन के लिए चला, फिर दूसरी वो दो तरह के यूज़ हो रहे हैं, तो इसको करने के लिए एक ग्रुप ये, एक ग्रुप ये, तो यहाँ पर लगाया हमने बिस, ट्राई मिथाइल सिलाइलामाइड। फिलहाल एन ए एच एम डी एस या के एच, एन ए तो सोडियम है, के ए तो केवल पोटेशियम है, एच एम डी एस क्या लगा हुआ है बच्चों, ये ग्रुप्स लगे हुए हैं, ठीक है, ट्राई मिथाइल सिलाइल ग्रुप्स लगे हुए हैं। ये फुल फॉर्म कहाँ से आ रही है, फुल फॉर्म लिखी है हेक्सामिथाइल, एच कहाँ से, हेक्सा मतलब सिक्स एच है, हेक्सामिथाइल, हेक्सामिथाइल डाइल सिलाइल, डाइल डाइल सिलाइलामाइड है। तो के एच एम डी एस फुल फॉर्म कहाँ से, हेक्सामिथाइल डाइल सिलाइलामाइड से यूज किए, यहाँ पे बीस यूज ना हो करके, ठीक है। तो आपको फिलहाल एन एच एम डी एस कहीं लिखा, के एच एम डी एस लिखा है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये बेस है, बेस है तो क्या करेगा, जो मोस्ट एसिडिक प्रोटॉन होगा या फिर कहीं कंपैरिजन हो, लिस्ट हिंडर्ड है और ज़्यादा हिंडर्ड है, तो लिस्ट हिंडर्ड वाले को उठाएगा क्योंकि ये अपने आप में बड़ा है। ऐसे बच्चों बहुत इन जनरल यूज़ होते हैं, डी बी एन और डी बी यू भी बेस हैं, ये भी क्या काम करते हैं, प्रोटॉन उठाने का काम करते हैं, और कहीं कहीं रिएक्शन में खाली क्या लिखा होगा, डी बी यू लिखा होगा या फिर क्या लिखा होगा, डी बी एन लिखा होगा, लेकिन आपको पता ही नहीं है ये रेजेंट है, इसका काम क्या है, तो हम यूज़ कैसे कर पाएंगे। तो इसका काम क्या है, केवल प्रोटॉन उठाना, डी बी एन, डी बी यू क्या होता है, चलो बच्चों ये डी बी यू है, ये सेवन मेंबर रिंग है यहाँ पर, और ये सिक्स मेंबर रिंग है, दोनों जो बेस हैं बल्कि हैं, नॉन न्यूक्लियोफिलिक हैं, केवल प्रोटॉन उठाने का काम करेंगे। तो इसका नाम देखते हैं किस तरह से, डाई एज अ बाईसाइक्लो, बाईसाइक्लिक हैं, दो साइक्लिक हैं, तो इसको क्या नाम बोला, बाईसाइक्लिक, डाई एज अ, दो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन को क्या बोलते हैं, एजा,
तो डाई एज अ बाईसाइक्लो। 540 अंडेक 7-ईन, अंडेक 11 क्या कार्बन है, अंडेकेन, लेकिन यहाँ पर डबल बॉन्ड है तो अंडेकीन। नंबरिंग कैसे स्टार्ट की है, यहाँ से ब्रिज कार्बन से स्टार्ट करते हैं जो कॉमन कार्बन है, 1 से 1, 2, जो लार्ज लिंग है बड़ी लिंग है उसको नंबरिंग पहले लेकर के आए हैं। 7 कार्बन इसमें थे, फिर 6 मेंबर ये, ठीक है। तो नेक्स्ट नंबर 8, 9, 10, 11, तो 1, 8 फर्स्ट पर और 8 पर क्या है एज अ ग्रुप है, एज अ मतलब नाइट्रोजन ग्रुप है। डाई एज अ 540 क्या लिख रहे हैं बच्चों, ये जो 5 कार्बन ये लेफ्ट रह गए, 4 ये लेफ्ट रह गए एटम, और इनके दोनों के बीच में कोई एटम नहीं है उसके लिए 0 है ये। अंडेक 7-ईन इस तरह से इसका नाम लिखा हुआ है। तो बच्चों क्या है DBU क्या होता है बच्चों, ये फुल फॉर्म है इसकी और एक बेस की तरह काम करता है। ऐसे DBN भी एक बेस है जिसका फुल फॉर्म है डाई एच अ बाई साइक्लो नोन 5-ईन। नोन मतलब टोटल मेंबर 9 है इसमें, एक 6 मेंबर्ड है और एक क्या है 5 मेंबर्ड है। तो इसका नाम किस तरह से लिखा गया है, 1-5 डाई एजा, यहाँ पर नंबरिंग मैंने गलत दी हुई है। पहले लार्ज रिंग को नंबरिंग हम देते हैं, तो नंबरिंग इस तरह से स्टार्ट होगी, लार्ज रिंग को 1, 2, 3, 4, 5, 1-5 डाई एजा, दो साइकिल के तो बाई साइक्लो, नोन मतलब टोटल मेंबर इनमें 9 है, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 4, 3, 0, 4 ये मेंबर्स जो कॉमन नहीं है उनसे अलग, फिर दूसरे मेंबर 3 और इन दोनों बीच में कोई नहीं है, तो 4, 3, 0 ये नॉर्मल क्लेचर हो गई। फिलहाल यहाँ पर ये वीडियो जो है किसके लिए, DBN एक बेस है, NH MDS याद करना, ये बेस है प्रोटॉन होता है, LDA क्या है हिंडर्ड बेस है, बहुत कॉमन यूज़ करते हैं, तो आपको ये बेस आपको पता ही होने चाहिए। सोडियम हाइड्राइड, सोडियम हाइड्राइड एक बेस की तरह यूज़ होता है, किस तरह की वजह, सोडियम हाइड्राइड Na+ H-, ठीक है, ऐसे यूज़ होता है। N-ब्यूटाइल, सोडियम ब्यूटाइल, Na-ब्यूटाइल निगेटिव, तो बच्चों किसी भी कार्बन पर निगेटिव चार्ज आ जाएगा तो उसको हम थिंक कर सकते हैं कि वो क्या है एज ए बेस भी काम कर सकता है, न्यूक्लियोफाइल तो काम कर दे सकता है एज ए बेस भी, लेकिन अगर हिंडर्ड है तो कैसे, नॉन न्यूक्लियोफिलिक है, वो न्यूक्लियोफाइल की तरह काम नहीं करेगी। रिएक्शंस पढ़ने के लिए आपको बेस की एक लिस्ट बना के रखनी है, कई बार शॉर्ट फॉर्म में लिख रहते हैं और पहचान ही नहीं पाते कि ये बेस है, तो फिर रिएक्शन कैसे होगी, ठीक है। तो ये एक कुछ बेसिक हैं जो बहुत कॉमन यूज़ होते हैं, बहुत सारे बेस हैं, तो उनको अलग से लिख करके याद करना है। थैंक यू।